यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने फाइनल परिणाम 2021 आज जारी कर दिया। यूपीएससी में एग्जामिनेशन में जितने भी छात्र सम्मिलित हुए होंगे उनके लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी अभी ये रिजल्ट जारी हुआ है। बता दें कि अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट अभी अभी ही प्रकाशित किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जिन्होंने टॉप किया है, टॉप थ्री में लड़कियों ने कब्जा जमाया है। पहली टॉपर है श्रुति शर्मा, जिन्हें ऑल इंडिया रैंक वन मिला है। वो सेंट स्टीफन कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी है और इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में आवासीय एकेडमी में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। उन्हें ऑल इंडिया रैंक वन मिला है। वहीं ऑल इंडिया रैंक टू अंकिता अग्रवाल ने पाया है और गरिमा सिंगला ने ऑल इंडिया रैंक थ्री हासिल किया है। पहले तीन स्थानों पर लड़कियां काबिज है। श्रुति सेंट स्टीफन कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्रा है, पहली रैंक हासिल करने वाली है। इस परीक्षा में 749 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। परीक्षार्थियों के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के करीब 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आयोग ने 17 मार्च को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार के इंटरव्यू 5 अप्रैल से 26 मई 2022 तक लिए गए थे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 भर्ती के माध्यम से सिविल सेवकों के 712 पदों को भरा जाएगा। पिछले सालों के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे में उम्मीद थी कि सिविल सेवा यूपीएससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा है 2021 की, उसका फाइनल रिजल्ट इस सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 26 तक ये इंटरव्यू राउंड हुआ और 26 के बाद आज ये जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है और टॉप थ्री में लड़कियों ने अपना स्थान पाया है। पहली टॉपर है श्रुति शर्मा, जो कि सेंट स्टीफन कॉलेज की छात्रा रह चुकी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भी छात्रा रह चुकी है और इस वक्त वो जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय एकेडमी से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। यूपीएससी सिविल सेवा के जो टॉपर्स हैं टॉप 10 में, उनके एक बार नाम आपको बता देते हैं। पहला स्थान श्रुति शर्मा को मिला है, दूसरा स्थान अंकिता अग्रवाल को मिला है, तीसरा स्थान गरिमा सिंगला को मिला है, चौथा स्थान ऐश्वर्य वर्मा को मिला है, पांचवा स्थान उत्कर्ष द्विवेदी को मिला है, छठा स्थान यक्ष चौधरी को मिला है, सातवां स्थान सम्यक एस जैन को मिला है, आठवां स्थान इशिता राठी को मिला है, नौवां स्थान प्रीतम कुमार को मिला है और टॉप 10 का जो रैंक है वो हरकीरत सिंह रंधावा को मिला है। हालांकि यूपीएससी सीएसई 2021 फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम नतीजों की घोषणा की तारीख पहले से निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देख ले तो व्यक्तित्व परीक्षण चयन की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अंतिम परिणाम घोषित किए जाते हैं। ऐसे में जबकि सिविल सेवा परीक्षा 2021 के मुख्य परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का राउंड 5 अप्रैल से शुरू होकर के 26 मई को खत्म हुआ था, तो माना जा रहा था कि आज इन परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी और आज 30 मई है और आज इन परिणामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें टॉप थ्री में लड़कियों ने अपना कब्जा जमाया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।